हेलो माय फ्रेंड्स, आपका स्वागत है कम्मू की रसोई में। तो आज हम बना रहे हैं लौकी की सब्जी। लौकी यानी घिये की सब्जी। तो घिये की सब्जी में मैंने ये घिया लिया है और टमाटर लिए, प्याज लिया है, हरी मिर्च लिए, और ये धनिया है, और ये है लहसुन अदरक का पेस्ट। तो आप लहसुन भी डाल सकते हो, आपके पास नहीं है पेस्ट तो फिर लहसुन भी डाल सकते हो। तो आप पूरा वीडियो देखना और सब्सक्राइब करना, लाइक करना। अब हम लौकी के ये छिलके निकाल देते हैं, ऊपर से पूरे छिलके निकाल के ये तैयार कर देते हैं। तो अब मैंने ये छिलके निकाल दिए, इसकी गोल गोल पीस करने हैं। ये अलग तरीके की लौकी बनानी है, बहुत ही अच्छी बनेगी, बहुत ही टेस्टी बनेगी। तो आपके घर पे मेहमान आएंगे, वो भी खाएंगे, आपको पूछेंगे कि आपने ये सब्जी कैसे बनाई है। तो जैसा मैं बताती हूँ, आप पूरा देखना और सब्जी बना के आप भी खाना और सबको, मेहमान को भी खिलाना, बहुत ही अच्छी बनेगी। पतले पीस करने हैं, ना ही मोटे करने हैं, मीडियम साइज के पीस करने हैं। पूरा कट करके मैं आपको दिखाती हूँ आगे क्या करना है। अब मैंने ये तवा लिया है, तवा के ऊपर हम इसको लौकी को सेकेंगे। तो थोड़ा सा पैन डालना है इसके ऊपर और थोड़ा गर्म कर देना है। ये मैंने पैन डाल दिया है, ये तवा थोड़ा गर्म हो जाए। इसे एक एक पीस करके हम इस तवे के ऊपर रख देंगे। एक बारी में पूरा ना आए ना, तो आप आधे आधा रख देना, आधा बाद में रख देना। इसको अच्छे से सेकना है। फ्रेंड्स, ऐसे थोड़ा थोड़ा ये घुमा के रखना है। अब ये पीसे से चिक गए तो मैं पलट रही हूँ इनको, इन सबको पलट देती हूँ। तो हम इसके ऊपर थोड़ी थोड़ी हल्दी डालेंगे। थोड़ा नमक डालना है, थोड़ी हल्दी डाल देनी है और इसको अच्छे से घुमा के रख लेंगे। ये मैंने ना फ्राई करके नीचे ले ली है और ये देखो एकदम नरम सी हो गई है, बहुत अच्छे से चिक गई है तवे पे, बहुत अच्छी बन गई है। तो ये हो गई रेडी। अब मैं वो तैयार कर रही हूँ पास वाला काम। टमाटर का मैंने पेस्ट बना लिया है, ये थोड़ा सा बेसन है और ये दही, दही में सारे मसाले ऐड करने हैं। ये मिर्ची डाल रही हूँ और ये हल्दी पाउडर, ये नमक और धनिया पाउडर, ये सब इसमें दही में मसाले डाल देते हैं। इसमें तैयार कर लेते हैं, एक छोटा सा मसाला हिला देते हैं। जो मैंने आपको बताया था वो पेस्ट ही इसी में ऐड कर देते हैं। आपके पास वो लहसुन है तो आप इसी में मिक्स कर देना, दही में। दही में मसाला बनाओ तो बहुत अच्छा होगा। दही ज़्यादा खट्टा नहीं होना चाहिए, ज़्यादा खट्टा होता है तो फिर अच्छा नहीं होता। तो तेल डाल दिया है, कढ़ाई गैस के ऊपर रख दिए। इसमें मैं डाल रही हूँ, इसमें मैं डाल रही हूँ जीरा और एक तेज पत्ता डाल रही हूँ। इसमें इलायची डाल रही हूँ और दो लौंग, ये हो गए इसमें। तो फिर अब मैं थोड़ी सी मिर्ची डाल देती हूँ, इसके बाद ये प्याज ऐड कर देती हूँ। इसके बाद जो मैंने ये बेसन लिया है, बेसन है ना, इसी में डाल देते हैं इसे। इसके साथ अच्छे से फ्राई कर लेते हैं, ये भी साथ साथ में ये इसका भी लग रखा आएगा। दही में तैयार किया ये इसमें ऐड कर देते हैं। इसको भी थोड़ा पकाएंगे, इसके बाद में टमाटर की ग्रेवी डालेंगे। दो तीन मिनट तक, तीन चार मिनट तक ये मसाला पकाना है। इसके बाद में हम ऐड कर रहे हैं ये
टमाटर का बनाया था पेस्ट, ये डाल देना है। इसको भी ग्रेवी को अच्छे से पकाएंगे, 5 मिनट 7 मिनट लग ही जाएगा। और तेल छटकने के बाद में आपको पता चल जाएगा ये अच्छे से पूरी तरह से तैयार हो गई है। अब तो ये ग्रेवी पक चुकी है और इसमें अब मैं डाल रही हूँ थोड़ी सी मलाई। ये मलाई डाल दी है मैंने और अब इसको ऐड कर देंगे हम इस लौकी को। गरम पानी लिया है, गरम पानी किया है, गरम पानी इसमें क्या थोड़ी वो गाढ़ी लग रही है इसलिए मैं थोड़ा सा गरम पानी डाल रही हूँ। तो इसको भी अच्छे से ढक्कन देके 2 मिनट तक रख सकते हैं, ये अच्छे से पूरी सटक जाएगी, फिर बाद में मैं आपको पूरा बताती हूँ। मैं डाल रही हूँ इसमें वो कसूरी मेथी, कसूरी मेथी को अच्छे से क्रश करना है, क्रश करके बाद में इसमें डालना है। ये कसूरी मेथी डाल दी है मैंने, अब मैं डाल रही हूँ हरे धनिया, खूब अच्छी बनी है, खुशबू भी बहुत अच्छी आ रही है। आप भी बना के देखना, बहुत अच्छी बनेगी। वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना।